जन गौआ में नौआ लिखौले रहल प्राइमरी पाठशाला पुराना एक दो तीन चार पांच कैले पांचवी में हो गई दादा सयाना पूछे कोई कुछ तो कुछ हूँ बतावे चितावे सही हुए उत्तर मुरमाना एक रोज दर्जा में मास्टर जी पूछले कि हफ्ते में कै रोज बच्चों बताना दिखाए तनसे ऊपर कला बाबू तनसे ऊपर कला पहले जैसे बिरहा शुरुआत हो आज वैसे शुरुआत कर दिली आजकल बिरहा का नजरी नक्शा बदल गया गविया खड़ा होके पहले चट्टे पांचठे धोन गाओ थो मूड बनाओ थो आवाज गरमाओ थो तब पहले तब प्रस्तुत कर थो चाट धोन गौले के बाद में पूछे थो कि बतावा जा कैसन गावल जाए आ गौले के बाद में फिर पूछे थो का भैया बढ़िया लगल हो अच्छा लगल है ना कि बिहार का गायिका निकलल है गावत रहे तो करे नीचवा के तिरिया कला भाव में आवा भाव में मतलब नाचा एक रात में तीन तीन चार चार पारी होए धोन न गवाए डायरेक्ट तोरे बिरहा पर बिरहा फिर हमरे बिरहा 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 में जन धोरे तन गवाए भजवाए कि बाबू अरे से बोलत हो कि गईबा के ढेर बतियेबा निकल जा अच्छा जे नाही दिला ओकर सुन गेला भीतर भीतर अजय कुछ देत लेत रहला वो तो अपने खुशी में रहला चला भाई सम्मान कर थे जा गोया मेहनत कर थो सोर बत्तीस सना दा अजय ना ही दे तो कर सुन गएला इठे गांव में पुरान प्राइमरी पाठशाला रहल गांव भर के लड़का पढ़े और वही स्कूल में एगो भोनुआ नाम के लड़का भी पढ़त रहल जेकर इतना पंच लोग होगा सवेरे के टाइम बा या साउंड से जे हमारा आवाज सुनो तो जेकर भोनुआ नाम हो भोनू वो बुरा मत मानी भाई भोनू नाम पर ही कहानी आधारित है जेकर नाम भोनू ही गरियाई मत हमके सवेरे के टाइम हो गायो तजात लिखी बड़ा मजेदार भी रहा तो साझे जब मूड बनौली के खेबीर से गाये तो आप लोग फरमाइश के पूरल मुल्क गवा दिला अभी सा जब भोरहरिया के खेर मूड बनौली आप लोग भोनुआ का फनवा दिला तहमहन गवैया ऐजा हुकुम का दलिद्ध रह जा आप लोग रुपया पैसा दिले हुआ सट्टा बट्टा के लिए हुआ जौन कहबा तो हम करबे करब न करब तो कहबा हमार वाली भइल नहीं ता यही से बता दिले कि मंदिर तोड़ दो मस्जिद तोड़ दो जिसमें भरा मुजायका हो सवेरे के टाइम बा भोर का बेला रहो ये से कुछ बढ़िया बात होना जरूरी है एक बिराए के भैया बोला मत भैया ए जागिला तो बोला मत लाओ बहुत बढ़िया तो हर साउंड है आप हैं साउंड के मालिक अब इनसे आप पहले हैं का कि पूरी रात है पूरी रात लेकिन कभी कलाकारों कुछ सोपजस दे करके प्रचार नहीं करवाया आपका साउंड कौन है देना चाहिए 100-200 रुपया देकर प्रचार प्रसार करवाना चाहिए इतना बढ़िया साउंड आपका है बन ले तो हुआ वो बड़की पक्की पर बड़का हारन सरवा भेजा फारत हो बहुत अच्छा साउंड आपका कोई जवाब नहीं बाबू भोनो अपने गौआ में नौआ लिखौलन रहल प्राइमरी पाठशाला पुराना एक दो तीन चार भी पास कैल
अब पांचवी में हो गई ज्यादा सयाना, पूछे कोई कुछ तो कुछ हो बतावे, अचेतावन सही है वो उत्तर मुरमाना। एक रोज दर्जा में मास्टर जी पूछले कि हफ्ते में कई रोज बच्चों बताना। बाल सभा होत रहल, वही बाल सभा में मास्टर साहब का सवाल रहल कि बच्चों बताओ एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। तो लड़का का बतौलन है, इजने के गीत लगल अब भनुआ के ही क्वालिटी रहल, कच्चा पास पाचे ना कैले 18 साल का पाड़ा हो गए, एक पास कर दो तीन चार पाँच में जाजत कुछ ऐसा गलती कह दे कि ओकर नाम काट के मास्टर साहब फिर एक में कह दे गधैया गोल में कह दे चल 5 साल फिर खेल शायद सुधर जाइबे। तो तर्ज बड़ी खूबसूरत लगल मास्टर, कौन गीत मास्टर आइए। जौन रोग के दवाई संकेत रहल, कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका के समझावत रहल कि हमारे को बात याद करबू तो सुखी रहबू जीवन भर। कौन बात लाल? जौन रोग के दवाई अरे नबई तो बताई, जौन रोग के दवाई अरे नबई तो बताई, तो जनिहा कि प्यार हो गई का 7 दिन बताई। हे मास्टर साहब, एक हफ्ता में 7 दिन होला, लड़का 7 दिन बताई, हाथ नीचे कैल भाई तबले भोलुआ भी प्यार हो गई। गुरु जी एक हफ्ता में 7 दिन एक हफ्ता में 7 दिन होला, जो यही लड़का बता के बैठे तब से भनुआ खड़ा हो जाए, कल की सरासर गलत था। 7 दिन कहाँ होला रे, कहाँ 7 दिन होला, लड़कों के डाटे 18 साल का पाड़ा हो गल हल, बरियार रहल तो डाटे कहे 7 दिन ना होला। हफ्ते में 2 दिन भोनुआ, सुनील ले थोड़ा, तनी खड़ा हो जा, ए गलत चीज हुआ, खबर खबर करा ला, खड़ा होकर तनी देखा ग्रुपिंग देखा, हमार साफ आवत तो जयमाल होता है, जयमाल पैसा आशीर्वाद दे देंगे। बढ़िया बढ़िया। लघुता से ही प्रभुता हुआ करती है, अपने से बड़ों का सम्मान करना साक्षात परमात्मा का सम्मान हुआ करता है। कुछ तो गायिका ईसन भी रहने वाली पंचो भोर का बेला है, झूठ ना बोलो थी, उनकर नाचब ही कुल उनके बदे धन दौलत गायकी है।
यहाँ से नाचत वहाँ जाते हैं, वहाँ का नाचत यहाँ होते हैं। नचई में कितना झगड़ा कर जाते हैं, रड़ो पुतहो पुत काटी भतरा काटी कबिया काटी कबिया काटी अपने में कहते हैं सो कबिया काटी रड़ो पुतहो कुल करते हैं। सुन मैंने शाम को ही संबोधित किया, अच्छा है चंचल यादव का एक दंगल भी हम लोगों का बहुत शानदार दंगल 2 तारीख को भी है। जौनपुर का सबसे बड़ा गांव, उस गांव का नाम है परियावा। परियावा में हमारे चंचल के फिर भी दंगल हो। अरे भाई गुरु पहलवान न पहुंचे तो के पहुंची। देखिए ये पुरस्कार 200 रुपए का हमारा भी सम्मान और हमारे नाम राशि श्री राम जन्म यादव कोपा कवि जी का सम्मान की चंचल बहुत बहुत धन्यवाद, मालिक सुखी रखें और पंचलोन का आशीर्वाद लगे कि हम लोग उनसे भी बड़ा कलाकार आप लोग बना, ये हमारी शुभकामना है। बनूंगा बताओ था कैसे मास्टर हमरे गोवर्धन भैया पता नहीं कहिया के सुन ले रहा तू हमके यादो ना देखा कहाँ तक जाला हफ्ते में 2 दिन भुनुआ बताया आज और काल कह के कमरा हिला मास्टर साहब गुस्सी आई मास्टर साहब गुस्सी आई दौड़े दंगल के भाई सब ले भुनुआ ठाड़ हो गई और जे 51 रुपए का आशीर्वाद कुशल संचालक इस कमेटी के हमारे बड़के भैया श्री दशरथ बिंद जी जो बिंद समाज के गौरव हैं, बहुत बहुत सभैया के प्रणाम बा, मालिक सुखी रखें, सकल पंच के प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना ता जिंदगी जी। मजा तो तब आएगा जब भुनुआ करके 7 दिन नहीं होला, 1 हफ्ता में 2 दिन होला, 1 हफ्ता में 2 दिन। आज और काल काल के बाद काल काल के बाद काल काल के बाद काल 7 दिन कहाँ होला रे, उल्टा सीधा जवाब दो। अच्छा तो कह है तो कमरों हिला हुआ, आज और काल कह के कमर हिलाया हिलावे लगा, कल एक थे आगे एक थे पीछे एक थे आगे एक थे पीछे, ये होला 2 दिन। हमरे गोवर्धन भैया कमेटी के सचिव महोदय सुंदर पुष्पहार और इतना प्यार है कि जो कछवा बाजार बिरहा होला संजय यादव जी जो करवाते हैं, सुपुत्र जमुना यादव बिरहा सम्राट विश्वनाथ यादव जी के परम शिष्य, वहां भी आप सचिव पद पे आसीन हैं। सादर है 51 रुपए का आशीर्वाद देके भैया सम्मान के लिए सुंदर पुष्पहार से बहुत बहुत से प्रणाम आया पे लोगों के फरमाइश पे भी रहा थी बहुत दिन के बाद ता गौर करिए हैं कल एक थे आगे एक थे पीछे आज और काल, आज और काल 2 दिन होला। मास्टर साहब लेके डंडा जोन हो खड़ा हो गए ना कलम मार के पीठ फाड़ दे, कल गलत हो तब ना अब ऐड जाए 18 साल को लल ऐड, कल गलत हो तब ना बर्बा तो आऊं के हम बताए दे 18 साल के पाड़ा कदला 5 पासन है किला अब मरबा। अरे आज और काल इतने आगे के पीछे 7 दिन कहाँ होला, तर्ज बदल गई बैठ जो तब बैठ गल कल दूसरी सवाल बच्चों बताओ दूसरी सवाल तर्ज कौन मास्टर
अरे मोटर की बत्ती तेज करो, ये मोटर वाले मोटर की बत्ती तेज करो, ये मोटर बड़े शानदार अध्यक्ष महोदय हमारे भैया नन्हे यादव लगातार अनवरत इस कमेटी को संजो करके आप अनवरत 10 वर्षों से इस कमेटी का अध्यक्ष पद का ताज आपके सर पे बंधा है। क्या बात है, क्या बात है। और आपके कर्म द्वारा कई बार रात भर में कई बार हम कलाकारों का सम्मान किया गया सुंदर पुष्पहार 51 रुपया पुरस्कार से, बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा अध्यक्ष जी 51 रुपया पुरस्कार देने तो शोभा ना दिला, अध्यक्ष जी कम से कम 100 रुपया ही नाम दे। अभी 51 रुपया अमन के देते जिससे अमन लौड़ी बौड़ी गवैया ही जा। 100-200 मिलेला अध्यक्ष के पद का गरिमा होती है। अब प्रधानमंत्री आके कम्बल बांटे गाँव में तो अच्छा ना लगी। अरे लॉकडाउन कहाँ है भाई, जरूर भैया तू बहुत बोलेला, तू कबो सब कबो 200-500 के नीचे तू इनामे नहीं देता अमन के। अमन का अध्यक्ष जी मन के 50 रुपया दे अच्छा ना लगल। अध्यक्ष जी तुहरे गरिमा की बात करी है, अध्यक्ष पद की गरिमा होती है। ता खैर इंटरटेनमेंट होत रहे, मौज मस्ती होत रहे, विवाह होत रहे। ये भैया कोनो तुलाइन बैठ गई, ट्रक वाला बैठा ले ले हाल। ट्रक वाला बैठा के लेके जात हाईवे रोड पर घूंघट में रहल। आ जब घूंघट में रहल ता ड्राइवर जोन ट्रक का ड्राइवर होला गुल वाला रंग रसिया होला, दुलहिन घूंघट में रहल। आ ओकरे बाद में ऐसे ट्रक जातल ता हॉर्न बजौल, हाय हाय जब बजल ता खलासी जोन बा खलासी से कलश के देख 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 कैसन आइटम खड़ी है। तो खलासी हाथ निकाल के ऐसे कैला, ऐसे कहर जाके तो दुल्हनिया हाथ ऐसे देहला रुक गई। आ जब रुक गई तो खलासी और से झट से बैठ गई। अब खलासी है ड्राइवर है दुल्हन के बीच में बैठा लना सोन। जब दुल्हन के बीच में बैठा लना सोन तो खलासी के होनी लगावे डबरो के होनी लगावे, दोनों के होनी लगावे। वह दुल्हनिया कहले रहल बाबू का कहले रहल, मोटर की बत्ती तेज करो ए मोटर वाले। सास मोरे बस में, ननद मोरे बस में, कहाँ सो जाए कि कहाँ बा कैसे निकलल हो अकेले। तब सास मोरे बस में, ननद मोरे बस में, जवानी नहीं बस में ए मोटर वाले। खलसिया कहे हमहू जवाना है, ड्राइवरवा कहे इन चार दिन एक बैठल हौकीला हम जीटी रोड पर, हमहू जवाना है। तो दुलेनिया के जवाब मालूम का रहल, ड्राइवर मोरे बस में, खलासी मोरे बस में, खलासी मोरे बस में, हाई कानी नहीं बस में, ड्राइवर बाबू ए ड्राइवर बाबू। कल ड्राइवर मोरे बस में, खलासी मोरे बस में, हाई कानी नहीं बस में, ड्राइवर बाबू जवानी नहीं बस में। कानी का मतलब समझला जा, दुल्हनिया के एक अखिया फूटल है एक आंख से रहल। अच्छा अच्छा कल एक आंख से काम मार चलत है, यह बस में नहीं है। तई कुल धुन तरह दे रही पहले के कभी लोगों का सोच रहा, लेकिन आज फूहर भी नहीं है, फूहर भी नहीं है, बंद भी है, आनंद भी है। बात यहाँ है, ये हरिद्वार गुरु जी के लिखल गीत रहा।
कब्बा छाछे माछे चढ़त हुआ पहले समझो तो छाछे माछे लगत हो चढ़े अब ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिया था। हम तो आशीर्वाद देख ले दुल्हा दुल्हन के जयमाल पैसे से फूल से देवल गया यहाँ साक्षात ऐसे ऐसे इतना छाछे माछे ना हो चाहिए टूटगल टूटगल गोड़ टूटगल कुल्ही टूटगल दांत यही कुल छाछे माछे चढ़े में अभी आदमी के संतोष नहीं बा। सवाल किए मास्टर साहब क्या सवाल किए बाबू अरे सवाल है दूसरा मास्टर जी बोले कहा दूसरा सवाल हो नारियल का पेड़ ज्यादातर कहा होला कोई केरल कोई बंगाल बोला कोई केरल कोई बंगाल बोला भोलू का हाथ ऊपर मास्टर जी बोले बड़ा ही आनंद रहा करें बैठ जाओ सब लड़का बैठ गए दूसरी सवाल के लिए बच्चों ये बताओ नारियल का पेड़ अधिक से अधिक कहाँ पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है नारियल का पेड़ अधिक से अधिक लड़का खड़ा भी है गुरुजी केरल में गुरुजी बंगाल में कोई कहे राजस्थान में अधिक से अधिक पाया जाता है नारियल के पेड़ अधिक से अधिक केरल बंगाल में पाया जाता है आज वही लड़का हाथ नीचे करके बैठा तो तब से भनुआ दोनों हाथ उठा के खड़ा हो गल कल सरासर गलत टोटल गलत हो ये केरल बंगाल में कहाँ मिलेला तब मास्टर साहब अब गुस्सा में लाल हुआ कल अयोधी पारी अब ललकी कलम चल ही वाली है बताओ तू बताओ कहाँ होला कल कछवा बाजारी में अरे नारियल का पेड़ नारियल का पेड़ होला बनिया दुकान में कल एकदम मैं हराम खोर हो गई का तब से बगलिया लड़का चुप 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 बहुत लंबा होला बहुत लंबा होला बड़ा लंबा होला कैसे घुसी रे कल दिमाग से घुसे भी तब न घुसी चूतिया अबे चुप कल अच्छा बोल बोल कह नारियल का पेड़ होला बलिया दुकान में अरे मास्टर जी बोल उठे मीठी मुसी कान में मास्टर जी बोल उठे मीठी मुसी कान में नारायण तुम सरा मास्टर जी बोले कला बनिया की दुकानी में अधिक से अधिक पाया जाता है मास्टर साहब अब डंडा के दम छड़ी के हंटल के अपने सुधारत हूँ कलम मारब अब पीठ कर फाटी कहा ये कोई इंची गलत नहीं है अगर मरला तू ता तू घर न जा पाई बा हम हूँ ये स्कूल में बनाई बाज कलम बोल बोल कैसे बनिया की दुकानी में कलम बनिया की दुकानी में नारियल के पेड़ ऐसे ज्यादा होला एक बनिया की दुकानी में अगर 100 वनस्पति घी का डब्बा हो डालडा वाला पहले चले अब तक फाइन चलत है जब डालडा घी चलत है तब कई बिरहा लिखल है तो कल एक डालडा घी पर 5, 7, 6, 8 पेड़ छपल वाला डब्बा पर तो बनिया की दुकानी में ही कछवा बाजारी में खे परचून की दुकानी में अगर 100-200 डब्बा घुसल हो तो कई हजार पेड़ एक दुकानिया में घुसल हो तो केरल बंगाल के बात कहला मास्टर साहब कहलन कि अब तो के पढ़े नहीं देब हम अब तोर नाम काट के आ जब ऐसन हरकत सुनत का कर तेरी है अरे राम निकाले वो के रोज दर्जा से ए भैया निकाले वो के रोज दर्जा से अटपट जवाब सुन के मास्टर जी बुसियाल निकालो के रोज दर्जा से
जवाब सुन के मास्टर जी गुस्सियाल हैं, निकाले वो के रोज दर्जा से। यही विधि करता रोज पढ़ाई, मास्टर साहब थे हैरान। पता लगल कि डिप्टी साहब आएंगे कल हो ध्यान। अरे मास्टर साहब मन लिए सोच, ये भोनुआ मोर घटाई मान, अरे घर रह जाई अच्छा होई, घर रह जाई अच्छा होई। संयोग से पता लग गल कल डिप्टी साहब आएंगे स्कूल का मुआयना करने के लिए। भनुआ 18 साल को हो गल, कक्षा 5 पास नहीं कर पौले रहल, ओकरे पढ़े के पीरियड में कमजो कबो डिप्टी साहब अइले ना रहल, न कोई नाम ले ले रहल। पता लग गल कि डिप्टी साहब कल ही है। मने मने मास्टर साहब के जब सूचना मिली तो सोचे लगल है कुल लड़का ही है तो स्कूल के इज्जत बच जाए, लेकिन भनुआ आई तो स्कूल के इज्जत चल जाए चल जाए। तो ऐसा दिमाग लगाए कि काल भनुआ अबे न करे। धीरे से कुल लड़कन के बुलाए के कहे के काम करा सो कि तू तो सब छुट्टी झोरा बोरा लेके निकल जा, साफ सुथरा कपड़ा करके कल टाइम से ठीक 10 बजे सारे बच्चे आ जाएंगे। अपना सब कोई कपड़ा उपड़ा साफ करके बढ़िया से तेल पानी लगा के सब लोग आएंगे। लड़का ले लेके झोरा बोरा चल दहला, और जब चल दिल तो भोनुआ बैठा लल कलक के करे मास्टरवा एक बिलिया कह दिलस का आज से टाइम चेंज हो गल का झोरवा बोरवा लेके जाते कहाँ रे कहाँ रे। तो एक लड़का कल के काल स्कूल में डिप्टी साहब आवल हो, डिप्टी साहब ही हैं हमन जाती है कपड़ा उपड़ा साफ कर ले जाई। कुल लइकन के छुट्टी कह के भोनुआ कथो भोनो कल हाँ मास्टर वो लाहर है कल भोनू कल हाँ मास्टर कल बेटा तू तनि हमारे ऑफिस में आवा, अजय जाता हूँ के ज्यादा तो उसे कुछ विशेष काम हो। जब मास्टर साहब धीरे सा ऑफिस में रोले, भोनुआ एक चक्कर मास्टर का ऑफिस देखे, एक चक्कर कुलिन के झोरा भोरा देखा, कुल गईला सो हमके ऑफिस में बुलावो थो कोनो विशेष मीटिंग करी का। मने मने सोचा था आय आय के मास्टर साहब स्कूल में ऑफिस में बुलाए के अंदर से दरवाजा बंद करना, तो भोनुआ कहे कि अगर टीर बीर करना तो केहनियों से मारो मारब ही ठीक। लेकिन मास्टर टीर बीर का करे, हाथ जोड़ के खेबात कहना तर्ज बड़ी बेजोड़ लगल है। अब तो मोबाइल फोन हो गल, फोन रुकाओ फोन मोबाइल हो गल, कहाँ मिले के हो प्रेमी प्रेमिका से कह दे था हेलो हेलो जान, तो कहीं हाँ जानू कछवा चमोहानी के बगल वाली जो लाइब्रेरी की दुकान है उसी के पास मिलना है, हम आ जाएंगे। कुल बात वही मोबाइल फोन पर हो जाता पंचो, पहले इशारा रहा मालूम है, पहले कहा रहा प्रेमी अपने प्रेमिका के समझावत रहा कम मिले के हा तो बताव गौआ के पिछवार चांद जब निकले, गौआ के पिछवार चांदी जब निकली, ए गोरी नदिया के पार चली आईहा, प्रेमिका कहे कि नदिया में अगर पानी भरल हुई तब, अगर नदी में पानी भरल हुई तब का कर तब बतावे। नदिया में पानी भरल होई रानी, नदिया में पानी भरल होई रानी, नई अप होई के सवार चली आईहा,
नैया में पानी हुई नैये न हुई तब का करब। अगर प्रेमिका कहते अगर नदिया में नैया ना हुई तब कैसे आई तब बताव। अरे नदिया मेरे नैया रे नदिया रे नैया रे नदिया नदिया में नैया नहीं होई रानी नदिया में नैया नहीं होई रानी कपड़ा उतार के सारा रहे पहले हम ही न बुलाओ थे हम ही के न देखे कहा दूसर कोई ना ना चलिए जाए एक अक्तावा झिंगवा मिल जाए में काम चल जाए। तब इतर रहल स्कूल ऑफिस में डिप्टी साहब दरवाजा बंद करके हाथ जोड़ के भनुआ से बड़े विनम्र भाव में कहत हूँ कलिया स्कूलवा में भनुआ कले मध्य मध्यम बोलत हुआ रोज टाइट बोलत लहा डंडा में तेल पिलावत लहा कि मार के पीठ फाड़ दे। आज कैसन बासी भात पर बैठल माछी ने बोलत हुआ कले बचावा मोर हीरा मोर ला कलिया स्कूलवा में भोनुआ न अइबी परसों अइबे तो लमचुस खियइबे हमें याद आवत हमारे गोवर्धन भैया कछवा चूड़ी वाली गली में जब कार्यक्रम विश्वकर्मा जी करा हुए सुरेश विश्वकर्मा उस समय शायद बिरहा के हम गौले ले भोर हरिया में अच्छा तो तब का गौलो है आज अच्छा बजा में। अरे भाई आप लोग पारखी हैं बिरहा के नहीं पारखी होते तो बिरहा के कह के थे अध्यक्ष यहाँ और आप लोग इतना शानदारी से कार्यक्रम करा रहे हैं। अच्छा मालूम है गवैयन का सोचल बिरहा बिरहा पर बिरहा जब ना होला तब बिरहा दंगल का मतलब बिगड़ जाला। जैसे एक बात आप लोगों के बताओ थे जैसे चंचल शुरू कर लिए हैं एक बंदना एक बीरस का गोली है हम शुरू करते कि बंदना के बीरस के गायित और जब ई पारी आओ तो फिर पूरल मल का गायित चाहे भुनुआ का गायित कौनों गायित तो ओकर एक मतलब मिलत। अब आप लोग कल नहीं वह गावा वही गावा तो बनल बनावल मुजाज बिगड़ जला। इससे क्षमा प्रार्थी है हम लोग खुद सोचे थे या गवैया गाओ तो सुनोइया चल गई ना गांव में बिरहा होता एकर का मतलब एकर मतलब हमन के बिरहा में मजा नहीं है। ता आप लोग देवता हुआ अभी तक बैठ के सुनत हुआ ये हमन का सौभाग्य है हाथ जोड़ के कथुआ कि परसों अबे तो तुके लमचूस दे टाफी दे पहले लेबिन चूस चले लेबिन चूस कलक काहे भनुआ कहा बोला काहे न आई सोचत हुआ अगर हाजिर हो जाई यह न चक्कर में हुआ हमके बुझत है जो झोरवा बोरवा लेके कुलिन के भेजला है कपड़वा साफ कर दे डिलीप्टी कौन आवत है आई मुआयना करी स्कूल चेक करी तू कॉलर टाइट के लिए रहबा सब लेकन का हाजिरी भराई सब बोली जी हाजिर जी हाजिर जी आज जब भोनू का नाम आई तो गैर हाजिर तो हमारे नाम के आगे ललकी स्याही लग जाई तो हमरो कसम हो हमारे घरे के बुढ़िया भाई से वही का कसम खा थी हाथ जोड़ के भोनुआ मास्टर से कहे भोनुआ कहे बोला काहे न आई सोचत हुआ गैर हाजिर हो जाई तब डिप्टी साहब हमरा से जब तक ना पूछिए डिप्टी साहब हमरा से जब तक ना पूछिए चुपचाप रहबे न कुछ हूँ बताइए
केवाड़ी निकली हम हमू चले साफ सुथरा करी अपन कपड़ा सपड़ा आई जरूर, लेकिन कसम खा थी कबो कसम खैले ना ली है तोहरे इज्जत का सवाल हो तो हमू कसम खा थी। 18 साल का हमरो उम्र हो गई, 5 पास नहीं कैली, हो सकल है डिलिप्टिया के चक्कर में हम आ जाए तो हमरो तारन तार हो जाए निकल जाए, तू तो निकले ना देवा कबू काट काट के ही में पाना करबा तू नाम कर कटबा पता नहीं करो जन्म का दुश्मनी हमसे तो से हो गई है। अरे निकाल देता चल जाए तो हमू 6-7 के मुंह देख ली ये 5 के 5 में ही तो आई जरूर, लेकिन हमार कसम बुढ़िया भैंस के जब तक हमार नाम लेके ना डिप्टी पूछिए तब तक हम ना बताए, लेकिन आई जरूर मास्टर साहब हाई के भाई के कपार बैठ गए कलम मानी ना लगत है काली स्कूल कबर जाई जाई जरूर नौकरी काल खतरे में भाई हमार चल गयल गयल कुल लड़का चल गए अब गयल तो घरवा भुला गल कि डिलिप्टी आवेला हुआ डिप्टी ना कह डिलिप्टी कह ये कैसन जानवर है जिंदगी में साला कबो नहीं देख ली आई ते के काल देखब जरूर अब डिलिप्टी को जानवर समझत हो तनी मोट बुद्धि कहो लेकिन असली बात करे गयल दिन भर खेले लगल खेले खाए में आधा दिन बीत गल भुलाए गल कपड़ों ना हिसाब कैले ये भैया जब सूतल हो सूत के जब 11 बजल 12 बजल 1 बजल तो के याद आल के रे सवेरमा जाए के कपड़ा साफ कर लेके साफ होने के लिए हम अब का करी तो ये बाबू मालूम है का भल अपने माई के जगह उठल सुतल सुतल माई रे माई ए माई 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 जगबी रे माई रे हम बोनू माई रे माई कली का आया तोरे भल रे का भल कल डिलिप्टी आयो खरे कपड़वा नहीं साफ के लिए खरपत्तू दादा के तिरहिया में जोन मरकिन वाला कुर्तवा पजमा रहा बता देती तो वह पहन लित काल कल ठीक है बेटा वो तो कलेक्टर में कही के धैले ऊपर कोठा पर रतिये लगा के सीढ़ी चढ़ गल कोठा पर पहले गांव देहात में कोठा रहे अब तो छत हो चढ़ गल वही पर वही कनेक्टर में डल रहे हाथ 70 क्लीच पड़ल हो कुर्ता पैजामा में मायू के प्रेस थोड़ो कर करो ले वही तो धर दलील निकाल के रतिये पहन के टाइट हो गल जब अब टाइट हो गल तो मालूम है का किल है भोर धीरे धीरे जब 3-4 बजल तब सुतबे निकल कल अगर सुत जाब तो सुता जी 10 बजे तक तब से डिलिप्टी आके निकल जाई बेकार हो जी मामला आज सुतबे न करब दुआरे पर से अंगना में से दुआरे पर से अंगना में 3-4 बजल लगल माई के जगह माई रे माई जगती रे मुरुआ बोलती रे जाग रे माई कनी जो रोज 10 बजे सूत के उठो तल हो ये 4 बजे भोरो में कैसे जगाओ था काहे अब्बा जागे ले बचवा कल हम सुतबे कहाँ कली के जागो हम तो जगले है नहाए में ठंडा लगत था माई तेलवा बतौती तेल पनिया कह के निकली थम स्कूल के ओर नहाई का बारे लगन सोचत रहल देखा तो पाड़ा न हो माई कली बेटा कल ही पेराय के सरसों के एक कनेक्टरी तेल आयल हुई रसोईया वाले में हो पहुंचल कनेक्टरी के निकाल लिया लंगना ने कंटरिये पूरा डबव है भरल हल तो सोचे था कि इमन से निकालब कैसे तो मालूम है का किल है अंगनवा में पहले देवलिया पर ओटा बने किनरवा किनरवा वही ओटा पर धय के कनेक्टरी अयर हाथ लगौले और मुड़ी से लाते से ओके उझिलत हो ऐसे कनेक्टरी में से जब उझिलस तो हचहचाए के एक अजूरी भर गल तो कल अब मन कैसे डालब गिर जाई बस का कल कल कितना दबाई दे होके बस एक अजूरी भरल भरावल तेल सच्चा सरसों वाला मरल चत दही माथे पर आज पूरा अब तक एक अजूरी जब तेल जाई तो पूरा चपचपाए के भीजे लगल ना तो जब नीचे तक लगल चे मरकिन वाला कुर्ता एकदम रंगीन होए लगल जैसे सरवा रंग फेकल हो पूरा एकदम सोचा था कि कुछ कम लगत है ऐसन करी कि हम ही के देखबे करे वो हमसे पूछबे करे मन लगौले कजरी औरो ये कजरी औरो लगाए के मरल धू अजरी तेल जब पंचो तब मुड़े का तेल एड़ी तक ताप 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 पूरा एकदम चमके लगल
लपकत पाए। एक कान्ही पर झोरा और दूसर की कान्ही पर बोरा धैले। जब ही किरण फूटत रहल पूरब से सूरज का ललाई निकलत रहल फटत रहल तब यहाँ तर्ज लग गई बिरहान पड़ी कचाकी लाल पर्दा पढ़ल बाबू खाई गईलू अरे खाई गईलू लनड़ायाम पर्दा पढ़ल बाबू खाई गईलू लनड़ायाम दाम कहिया ले देबू लगेला जो बनवा पे घूम दान कहिया ले देबू स्वर्गी राम दे गुरु को ले लन देख ले ला ना बाबा आ गया उनके फोटो में देख ले रहली फोटो में तब तक बजेबे तू है तब तक बजाई कहने बजाई फोटो में देख ले रहा फोटो में देख ले तो आशीर्वाद बनल है ना तो ही जे के फोटो में देख लेबा त ना कुछ करबा अरे फोटो में का का लड़कन के दबेरली मत रामदेव गुरु गावे नंदलाल हमारी मजनू का यार प्यार सिखलाई दे गोरी त हो गई ला जब कि बिहान शान से भोनू आया यो गेट बंद रहल लोटा का पानी लेके मास्टर साहब अभी शौच के लिए जात हुआ निपटे बदे कुल्ला करे बदे आ तब से वही गेटे में से झांकत है गलत का मास्टर मर्दवा भी मैदान हो जात हुआ हम आए गईली आ मास्टर साहब जब भोनुआ का हाल देखने पंचो तब तक लोटा का पानी हाथे के छूट गए उनकर निपटान सटक गए धाई के कपार बैठ गए कल स्कूल तक कबर अला देखत है कथक गिटवा खोलबा की डाकी हड़कौ तो कथक गिटवा खोलबा की चढ़ब तुरंत डाक जा हो गई ना जब कि बिहान शान से भोनुआ आयल तब मास्टर साहब गुरु जी का निकल परान शान से भोनुआ आयल मैदान सटक गिल लोटा का पानी गिर गल धाई के कपारे हाथ बैठ गए बीच फील्ड में तब से एक चक्कर फेंकल है झोरा आ एक चक्कर फेंकल है बोरा चढ़ के गेटे पर से डांक गए कल मर्दवा की गेट खोले के तो बैठल हुआ तू वहां यहाँ से 9-10 बजे वहां के चिंता कोनो बा स्कूल में झाड़ू लगावे के ईटा पत्थर कुल कुल आवे के है तो के पता है ना ये भैया बारे गोवर्धन बाबू इस कमेटी के सचिव महोदय बड़े कुशल प्रिय व्यक्ति हैं और व्यक्तित्व के बड़े धनी हैं आप सुंदर पहाड़ सादर 100 रुपए का आशीर्वाद चरणन में आपके नमन प्रणाम हमारे बड़का भैया श्री बॉर्डर यादव बजहां के धरती से सादर 50 रुपया प्रदान के लेने बॉर्डर भैया के हमारे बहुत बहुत से प्रणाम सकल पंच के प्रणाम बा पंचो बड़ा आनंद रहल अब तब मास्टर साहब बैठल हुआ उनकर कुल हक्का बक्का बनाए गल हो अभी नहाए एक बार लिखते ब्रश करे एक बार मंजन करे के हो कुल करे के बाद लेकिन कुल भुलाएगी ना बॉर्डर भैया बैठा यार कहाँ जा थोजा आवाज आ अब भाई बिरहा में आनंद में तब से भैंस दोहे के तब आई गल ये भैया तनी गौर करी है आज उन बा बोरुआ झाड़ू खोजत हो कहो मास्टर झड़ुआ के रख ले हुआ है झाड़ू साड़ू लगाई हम अब वहन 10 बजे यहाँ सो तब न झाड़ू फाड़ू लगाई है सोन वहन के तो बोले हुआ कि कपड़ा साफ सुथरा कही के आवा सोन हम नहैली है इतना तगड़ा तेल लगौली है हमरे ने कोनो तेलवे लगा के नहीं है सोन मास्टर साहब जब ओकर तेल के पोजीशन देखल
मरकीन वाला कुतर कुर्ता हुई तेल में लफनाए गल एकदम सट गल है, जिसे आदमी पानी गिरा दिलो भीग के सटल हो वो तेल से सटल रहल पूरा एकदम। कल जाए तो मत बतावा झाड़ू है, ये बोरवा हो ना, हम यही से झाड़ू मार देते हैं। बोरा का पकड़ के टोका लगल झाड़े झर मारे, जितनी धूर उड़े कुल भोनुआ के हुई कुर्ता पर बैठे तेल वाले पर, आधा धूर हर उड़े आधा हर बैठे, तनके में लगे सर्वा मुगल सराय के चंदासी मंडी में से निकलत है। पूरा एकदम रंगीन हो गल बैठ गिल धूर। ओकरे बाद का भल मास्टर, धीरे धीरे लड़का आवे लगलन, मास्टर साहब समझावे लगल कि जितना तेज लड़का हुए सबकर सीट आगे लगाओ, अब भनुआ की सीट सबसे पीछे लगे, ताकि यहाँ से डिप्टी साहब कोनो सवाल कोनो प्रश्न करें तो उके सुनाए न पावे, न सुनाई न उल्टा सीधा जवाब दे ही। का भल बाबू, अरे भनुआ की सीट सबसे पीछे लागल भाई, ठीक है कर बजे डिप्टी साहब गई लगाई। चमक भयल जल तान शान से भुनुआ आए, राइट 11 बजे डिप्टी साहब आ गिलन, मास्टर मस्टराइन पूरा जितना स्कूल के स्टाफ हो सब लोग डिप्टी साहब के जलपान वगैरह करवले, जलपान करा करके क्लास मिले गए लोग। आज जब क्लास मिल गए तो भनुआ का कारीगरी देखा जा, भनुआ समझ गल हल ओकर सीट जब सबसे पीछे लगल रहा तो सोच गल कि लगत है कि हमके कमजोर समझ के एकदम पीछे कैले वो सुन, कि यहाँ से ई बोली तो वहाँ तक आवाज़ न जाई, न हम सुनम न उल्टा सीधा जवाब दे। भनुआ लगल स्कूली के फील्ड में कई आधा टुकड़ा ईटा कुल जोड़ आवे, जहाँ ओकर ब्रेंच रहल वही ब्रेंच के नीचे आधा टुकड़ा ईटा लिया लिया के कुलजोरिया के और डिप्टी के कुर्सी के लेबिल में कह दे, डिप्टी के कुर्सी के लेबिल में कह के वही पापन ब्रेंच टेबल धर के और चढ़ के चौचक ठाट से बैठल एकदम उनके बराबरी में, चौचक ऐसे बैठल हो वही पर मार के आसन कहे कि देखी है काहे ना, अब बोली है तो सुनब काहे ना। कुल नीचे हुआ सो हम डिप्टी के लेबिल में ही, तो पहले हमके देखिए पहले हमसे पूछी है, बैठल है चौचक बगल में मास्टर मस्टराइन सारे स्टाफ के लोग हैं, सब बच्चे बीच में हैं। आ तब से डिप्टी साहब जब ही एंट्री कैले हैं तो कुल लड़का खड़ा होकर के अभिवादन की अभिनंदन की, सारे बच्चे खड़े हुए और खड़ा होकर अभिनंदन के लिए भनुआ बैठले बैठल के था जय राम जी की, हम हो ऐले ही खड़ा हो तैटवा नीचे गिर जाई भसक के ही से जोरियोले बैठल है, हमरो प्रणाम स्वीकार कर लिया जय राम जी की डिप्टी साहेब। मास्टर साहब डिप्टी के कुर्सी के बगल में खड़ा होके कथू है उस पे ध्यान मत दीजिएगा सर, उसके दिमाग के का कीटा कम है, भनुआ सुनत हो कि हमारा शिकायत बतियाओ था कल तेरी आस्टर मास्टर की ऐसी की तैसी, 18 साल तक पाणा बनल हुआ आज हम रेलब तो के, सारे बच्चों बैठ जाओ लगल हाजिरी होवे। चंचल कुमारी जी सर हाजिर, चिन्मुन यादव जी सर हाजिर, गोवर्धन बिंद जी सर हाजिर, नन्हे यादव जी सर हाजिर, नंदलाल बाबू जी सर हाजिर, लाल व्रत बाबू जी सर हाजिर, तब से वही बीच में भनुआ का नाम आ गल। भनु कल जयराम जी की आयल है कई बेर कहे कल, अच्छा अच्छा आप भनु आप ही हैं कल, हाँ हो तो हूँ के समझाओ पड़ो था मास्टर बहनियर एक समझाओ तो हमके 18 वर्ष के बना दिले तो कैसे हम समझाई, कल ठीक है बच्चों बैठ जाओ सब बैठल ऊपर है बैठल देह तोरा था कि कैसो हमसे पूछे, देह तोरा था तब से
पहली सवाल डिप्टी साहब के लिए, बच्चों ये बताओ तीन में से दो चला गया तो कितना बचा, तीन में से दो चला गया तो कितना बचा। सब लड़का मुड़ी नीचे कर दिले, सब लड़का मुड़ी नीचे कर ले, तीन में से दो चला गया तो कितना बचा। कुल लड़का नीचे मुड़ी के ले हुआ, भोनुआ देह तोड़े लगल, देह तोड़ा था कबो हाथ ऐसे उठा बैठल है, ऐसे बैठल है देह ऐसे तोड़े कबो ऐसे ऐसे उठावे। मास्टर मना के ले हुआ, कहे कि हम तक कसम खेले ही, तो डिप्टी साहब समझ गए कि कुल लड़का मुड़ी नीचे के लिए मुड़ी ऊपर उठाए के देह तोड़ा था ऐसे ऐसे कला क्यों डिप्टी कहो क्यों भोनु कला। हाँ कला तुमको आ रहा है, मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे दिमाग में है। कला कसम खैली ही भैंस का बुढ़िया, हमार नौवा तला के लेके तू कहा कि भोनु बताओ। कला भोनु बताओ, कला एहन के नहूं आवत, एहन के मास्टरों के नहूं आवत। है जन मास्टराई नहीं ना, ये नहूं के नहूं आवत। मास्टराइन कहा दोगलवा हमहू के लपेटत है, आज रोज तो मास्टरवा के लपेटत ला, आज हमहू के लपेटत। कथा ई मास्टराइनों को नहीं आवत है, मास्टरों को नहीं आवत, हम ही खाली आवत है। एहन कबो पढ़ाईबे ना के ला, एहन के आई कैसे। वो तो हम ज्ञान प्रवाह में है ना, 18 साल हो गल पाँचे पास नहीं करे दिलसी, यही में मास्टराइनों है। कला अच्छा बताओ बताओ, तीन में से दो चला गया तो कितना बचा। तब भोनुआ कल तुहार सवलिए गलत है, कल तू जो सवाल पूछले हुआ ये गलत है, चुतिया मत बनावा। तीन में से दो कबो जेबे न करी, जब जाई तब एक कह जाए। कहना डिप्टी साहब की कैसा लड़का है, मास्टर साहब के और तकला। मास्टर साहब को ध्यान मत दीजिए, ध्यान मत दीजिए, ध्यान मत दीजिए, उसके दिमाग का ईटा ढील है। तो भोनुआ का था पंचायत मत करा, पंचायत मत करा, हम जो कहती ओके सुना। तीन में से दो कबो जेबे न करी, जब जाई तब एक कह जाए। न विश्वास हो तो मास्टराइन से पूछ, न विश्वास हो तो मास्टराइन से पूछ ला ना, कि जाला तो दूठे जाला कि एक का जाला, ये खुद ने बता दी है। तब से मास्टराइन मुलनी उड़नी से मुंह है आपन, आई हो माई दोगलवा हमके लपेटा था, ये तो बड़ी भक्सावन बोला था। मुंह लपेट के घूम गई दक्षिण उत्तर की ओरी, कहला ओहन मत घुमा, ओहन मत घुमा, बतावा इनके कि जब जाला तब एक का जाला, दूठे नीचे में रहला बहर में रहला, जब जाई तब एक जाए। तीन में से दो जेबे न करी, जब जाई तब एक जाए। मास्टराइन तो धसल जाती धरती में सरवा, हम ही के दोगल वाला लपेटत हो, हम एक कबो पढ़ाईबो ना करते, हम ही के लपेटत हो। डिट्टी साहब कहले ठीक है, मैं मान गया, मेरी सवाल गलत है, दो नहीं जाएगा, जब जाएगा एक ही जाएगा। न मास्टराइन से पूछूंगा, न मास्टर से पूछूंगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम सिद्ध करो, तुम ही सिद्ध करो कि दो नहीं जाएगा, जब जाएगा तो एक जाएगा, इसका मतलब क्या है, सिद्ध करो। कल हाँ अभी से लाइन पहला, अभी से लाइन पहला तो सिद्ध कर देती, लेकिन ओके माना, माने के परी। कल ठीक है मानूंगा। कल देखा लोक तीन थे, तीन लोक, आकाश लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक। हम मृत्यु लोक में ही जा, ऊपर आकाश लोक, नीचे पाताल लोक, हम लोग मृत्यु लोक में ही जा। वो अपने जगह पर स्थिर हो, नीचे वाला अपने जगह पर स्थिर हो, यह बीचवा वाला में से आवागमन है। यही में से ने एक का नया वाला जाला, अधूठे तो अपने जगह ही पर झूलल हो, एक नीचे झूलत है, एक ऊपर झूलत हो, आवागमन ही बीचवा वाले में हो। कला साबस बेटा, तो
छाया बाद में चल रहा है रे, तो आध्यात्मिक बात कर रहा है। कल आध्यात्मिक नहीं, हम 18 साल का पढ़ा ही 5 से 6 महीना जा पौली, यही का दर्द हो। आज कुल बताई नहीं कबारब हम इनके मस्टराइन तन से सांस लेने के लिए। ओ ये अस्पताल की जोड़ा था, हम तो सोचे कि दूसरा जो जगह ही हो, हम तो सोची दूसरा जगह दो गल वाला पीटा था, लेकिन आकाश पताल के जोड़ा था। मास्टर साहब कहले बच्चों दूसरी सवाल, दूसरी सवाल कैसे पूछो तो दूसरी सवाल या डिप्टी साहेब पूछ दे हले भैया स्थान पाद ले नाम बदल जाए केहू के नाथ ऊपर राके उठल बाटे भैया धीरे धीरे भोनू दोनों हाथवे हो उठाए। बच्चों ये बताओ पूरे दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तु है जो स्थान बदलने पे नाम बदल जाता है। कुल लड़का फिर खामोश होगी ना, सब चुप। मान लो ये ढोल है, मंच पे है तो ढोल है, अब मंच से नीचे ढोल उतार दी जाएगी तो इसका नाम बदल जाएगा, रहेगी ढोल है। हारमोनियम, हारमोनियम मंच पे तो हारमोनियम है, हारमोनियम को नीचे उतार देंगे तो रहेगा हारमोनियम, लेकिन इसका नाम बदल जाएगा। ये छड़ी है, ये छड़ी है हमारे हाथ में है तो छड़ी है, जमीन पर रख देंगे तो इसका नाम बदल जाएगा, रहेगी छड़ी। कोई लड़का खामोश, कोई लड़का खामोश, भनुआ लगल देह तोड़े, देह तोड़ थक कथल ले हली की बतौली की। कल बोलो याद है बेटा, आ रहा है कल एकदम आ रहा है, तू खाली आदेश तो करा। कल ठीक है बेटा बोलो, कहा बतौले बाबू दत्त धीरे धीरे भोनू तब हाथवा उठाऊ कल बार हो कल सिद्ध करो, कैसे बार सिद्ध करो तब न मानेंगे, कैसे बार है स्थान बदलेगा नाम बदल जाएगा। कल हाँ तब कह सिरवा का बार देखा पर बार हो सर्प हो तो बार हो आ तनी सनीचे उतर जबा तो भाव है जो लीलरवा पर हो अखिया को परा ये भाव है इहो बार है ए बार में, ए बार में कोनो अंतर ना हो लेकिन स्थान बदल गल तो भाव हो गल। आ अखिया के पलकिया पर जो बरवा हो एक लोग बरौनी कहे ना ये बरौनी है ए बार में, ए बार में कोनो अंतर ना है स्थान बदल तो भाव आँखी के पलक पर बरौनी इहो बारह यो बारह स्थान बदल तो भाव और बरौनी उठावा के ऊपर का नाम बाटे मोछिया ओकरे जे नीचा माई बढ़िया कहा पूरा मोछ नहीं आई लल बाबू रेख जमत रहा हल्का हल्का उठल लगा लैठे के कल हई देखा मोछ मोछ तनी सा स्थान बदल लेकर नाम मोछ हो गल ऐठ के कहे मर्दन की है शान है मोछ ऐठ के आ वो इहो बारह ए बार में, ए बार में कोनो अंतर ना लेकिन एकर नाम मोछ आ तनी सोकरे निचमाई बार राजा तही दाढ़ी एक लोग कहे ना नूर बा
ऐसे लगल कहे ये दाढ़ी है, ए बार में कौनो अंतर ना है बारह, लेकिन स्थान बदल गए दाढ़ी ई मोच। मास्टर साहब मने मने सोचे थो रास्ता बड़ा गलत पकड़ लिया है, ऊपर से क्रमशः नीचे आओ था, नीचे कहाँ तक जाई कोनो सही नहीं है, एके रोके के होई हमके। तो डिप्टी के कुर्सी के पीछे होके मास्टर साहब अपन छड़ी चमकाओ तो भुनुआ हो रही खड़ा होके भुनुआ गलत रास्ता बंद कर बंद भुनुआ कलर लहली की तेरी अस्तर मात। ता डिप्टी साहब कहले क्या हुआ कहले आपके पीछे मास्टर की नीयत खराब हो रही है, हमारा रास्ता बंद करवा रहा है, आपके पीछे से मास्टर जो है हमारा रास्ता बंद करवा रहा है, छड़ी चमका रहा है, 18 साल तक कपाड़ा बनाए के आज भी छड़ी चमका रहा है रास्ता, जब सही पकड़ा हूँ। कहले बेटा आगे बढ़ो दाढ़ी तक कैले है, ओकरे बाद सट से हाथ खींचल से ही नाभि को मालूम है का कहे मास्टर कहा छतिया ये पेटवा ए भाई ये छतिया ये पेटवा करौवा कहला, तब तक से मास्टर जी बोले चिल्लाय रे छतिया पर पीट के और खींच के सट से नाभी पर लिया, यही नाभी पर लिया के जो ही रगड़ दुबार कल यो बारह हो छतिया पर पिटवा पर ए बार में कोनो अंतर ना, लेकिन लेकिन लोग रोमा कहे ना रोमा छाती के बार ये हमें रगड़ तब से तब मास्टर जी बाबू इतना तो चिल्ले ले उनका लड़का मर गल हुई तब उन्होंने उतना चिल्ला हुई इतना तगड़ा चिल्ले लिया धा से दोनों हाथ ऊपर कह के अब कल भोनुआ कहा थे वहां रुक गल चिलैला जब इतना तेज मास्टर तो भोनुआ अब न आगे बढ़त है न पीछे बढ़त होकर हाथ ये जन रुकल हो अब मास्टर चिल्लाए के मालूम है का कहना कहा वो कर भोनुआ कलक के करे हाथ जुड़े हुए मास्टर ऐसे हाथ जुड़े हुए आप भुनुआ का हाथ यहाँ रुकल है यही नाभी पर कहा कि का कले बाबू कहा लो करे नीचे वाला नौवा दिन बताए भुनुआ हमारी चल जाई नौकरिया बताए भुनुआ अभी पर भोनू का हाथ रुकल रहा कल ओकरे नीचे वाला नौवा जिन बताए भोनुआ हमारी चल जाई नौकरिया बचाए भोनुआ भोनुआ कल ले है डिप्टी साहब कल बेटा आगे सिद्ध करो आगे बढ़ो सिद्ध करो भोनुआ कल ले है तेरी अस्टर मस्टर की ऐसी की तैसी बहुत नाम काट रहा था ज्ञान की बातें नहीं जानकारी केवल नाम काटने की जानकारी है पांच में से एक में से चार में ही दौड़ा रहा था डिप्टी साहब कहले बेटा आगे सिद्ध करो तो आगे सिद्ध का कहले भोनू बोल उठा रेशम पर्दा के आड़ में रेशम कल के एक एहू के नीचे एक ठे बार वो कल लोग तुलना रेशम से देवल असली नाम नहीं बतावा कल संकेत कहले कलर रेशम से तुलना कर दिया ला बहुत उमन गुरची रहे ऐठन रहे हमेशा ऐठन दार रहे ला लोग कहले के सोच कह देबा समझे तो उमन कंघी उंगी नहीं लगे बहुत ऐठन उमन रहे ला बहुत ऐठन रही कंघी उंगी मन कबो न हुई ना सिंपल उंपल धोई ऐठन दार बार हो
ऐठन दार बार है लेकिन रेशम से तुलना कर दिया ले का कहले भोनु बोलौ थारे सन आ पर्दा के आड़ में छोटा मास्टर साहब नौकरी गई चूल्हे भार में मास्टर साहब कहला नौकरी तो चूल्हे भाड़ भी चल गई बाल बच्चा कुल खेले बला मर जन ले बीतल सहजय में यही बाप हमारे गोवर्धन भैया कमेटी के सचिव महोदय सादर 100 रुपये का पुरस्कार प्रदान कैलन है और बड़ा पारखी है ये विराह के बड़ा दिन पहले बजहा में और कछवा में आप गोवले हैं बहुत दिन के बाद और निश्चित रूप से आज हमें समझ में आल कि आप लोग विराह का पारखी हुआ विराह का यह बागपत है जहाँ आप लोग इतना कदरदान है विराह के ये भैया डिप्टी साहब कलन की आज से इस स्कूल का भोनू जो है मानिस्टर रहेगा आज से इस कॉलेज स्कूल का भोनू छात्र जो है मानिस्टर रहेगा तो समझ गल कि अब हम मास्टर से भी ऊपर हो गए अब समझ जब मानिस्टर कहल है क्या से तुम्हें हम मानिस्टर बना रहे हैं तो समझ गल कि मानिटर हम बन गई एक मतलब मास्टर के जौन चीज नहीं आवतल है ओके हम बतौली तो हम मास्टर से भी ऊंचा हो गई झोरा लहला बोरा लहला निकल गल बगैर पूछल है अब पहुँचल तो प्रधान जी जय राम जी की प्रधान जी जय राम गोवर्धन भैया जय राम नन्हे भैया जय राम सबका जयकारी गोड़ धरत निकल कल का बात है भाई का बात है कुल तेल लगल है पर धूर बैठल है चर इंची कहाँ से कुल कल न जनबाना यह कुल लगा के ताजा मास्टरवा सुपर हो गई असली नहा धो के गली तुम के कोई पूछबे न कर स्कूल के इज्जत बचा ले तो स्कूल ये कबर के चल गए बरैनी चाहे कछवा ओहर ये गांव के स्कूल हम ही बचौली है अब पढ़े ना जाए 10-12 बजे जाए तो स्कूल के बीचे फील्ड में बैठे बिहाया का डंडा खेले ले रहा है अब समझे कि मास्टर से ऊँचा ही तो हमार हुकूमत चली लड़की जाए कभी काल के लघु शंका के लिए तो डांटा है कहाँ जाता है मारूंगी ठीक हो जाएगा नहीं जानता है कि यहाँ मास्टर लड़कियन के कहे नहीं जानता है यहाँ मास्टर बैठी है कबो काल के मास्टर इहर उहर हो तो डांटा कहे कहाँ घूम रहा है तू यहाँ मास्टर बैठा है तुमसे ऊँचा पद ले करके और तू घूम रहा है चलो पढ़ाओ जानकारी की बात पढ़ाना नहीं नाम काट के तुमको हटा देंगे इस विद्यालय से पावर हमारे हाथ में हो गया है श्रीमणी शिरोमणि भैया के ओर से सादर कृष्ण बहुत बहुत सलाम तो एकर नाम रहल ज्ञान प्रवाह कभी कभी छोटे बच्चों में बड़ा ऊंचा बुद्धि होला बाबू और ऊंचे लोगन में कभी कभी बड़ी नीची बुद्धि हो जाले तो अपने से छोट के कबो छोट ना समझे ये विराह संकेत करता है कि अपने से छोट के कबो ना छोट समझे क्योंकि हर प्राणी में अलग अलग गुण होता है तो आखिर में ई रहल हमारे कमेटी के भैया लोग उनके फरमाइश आखिर में कहना कैसे मास्टर गुरुदीन मोहम्मद राम सेवक सिंह सुबोधन की बानी कथन करें के भैरीदार संगम्बिका जी सैलानी निकाले वो के रोज दर्जा से कलम पे हरिद्रान के साथ रस को डाल निकाले वो के रोज दर्जा से वो हरस गई है ना अब बंद हुई आई मार से बजा दे आई बजा दे तो नहीं और परेशान हो कब बैठ